नमस्ते। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि प्रमेह मतलब डायबिटीज के क्या क्या लक्षण होते हैं और लक्षणों से पहले भी पूर्व रूप मतलब आपको डायबिटीज डिटेक्ट होने से पहले शरीर में ऐसे क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं जिससे आपको पता चले कि जल्द ही आपको डायबिटीज हो सकता है, आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं दैट आपको डायबिटीज जैसी बीमारी या फिर मोटापा, थायराइड, ये जो सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो हो सकता है। तो आयुर्वेद में इसको बोला जाता है पूर्व रूप। अगर लक्षण है, डिसीज पैदा हो जाता है, पूरी तरह से व्यक्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रूप। बट वो डिसीज होने से पहले ही आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप जानना क्यों जरूरी है? अगर हमें पूर्व रूप पता चल जाएंगे तो हम पहले से ही प्रिकॉशन लेके उस डिसीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। और डायबिटीज़ में तो ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है, क्योंकि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो वो ट्रीट होना या क्योर होना आयुर्वेद के अनुसार भी बहुत मुश्किल है। अगर ये एक साल पुराना हो जाता है तो ये असाध्य हो जाता है, वातज प्रमेह में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये असाध्य हो जाता है, ये कंट्रोल में रहता है। तो आयुर्वेद में भी आप जाओगे, कोई भी ट्रीटमेंट आप लेने वाले होगे, तो ये जो बीमारी है ये कभी भी ठीक नहीं होती है, क्योर नहीं होती, ये कंट्रोल में रहती है। अगर आपका HbA1c भी रिवर्ट हो गया, मतलब नॉर्मल आ गया, 6 के अंदर आ गया, तो भी आप अगर वापस कुछ ऐसी गलतियां करते हो तो वापस आपको डायबिटीज हो सकता है। तो आपको हमेशा डाइट एंड लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट करना ही होगा, ये अलग बात है। बट अब हम जानकारी लेंगे कि पूर्व रूप इसके क्या है। मैं श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ और फिर बाद में उसका अर्थ आपको बता देती हूँ। आचार्य वाग्भट है, आचार्य माधव निदान जो है, इन्होंने काफ़ी अच्छे लक्षण बताए गए हैं। तो जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में ये बदलाव आ रहे हैं तो शायद मुझे डायबिटीज हो सकता है। तो पहला श्लोक है, दंतादीनां मलाढ्यत्वम्, मतलब दांत है या फिर आपके नाखून है, इसको मल बोला जाता है, या आँख है, यहाँ पे जो मल पैदा होता है, मुंह है, मुंह में दांत है, वहाँ पे मल का बढ़ जाना, आप साफ करते हो दांत, ब्रश करें तो भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे दांत तो बहुत गंदे हैं, वहाँ पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद जमा हो रहा है, या फिर पेशाब की जगह पे वाइट वाइट कुछ जमा हो जाता है, लेडीज़ में वजाइनल इचिंग होने लगता है, यहाँ फिर वहाँ पे दही जैसा गाढ़ा स्त्राव निकलने लगता है, आँखों में जो मल है वो बढ़ने लगता है। तो दंतादीना मलाढ्यत्वम, हर जगह पे मल का जो है वो बढ़ जाना, ये पहला लक्षण बोला जाता है। त्रुट मतलब प्यास लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। स्वादु अस्यम मतलब मुंह में मिठास रहने लगती है, मुंह का जो टेस्ट है वो मीठा होने लगता है। दाहश चिकन्नता देहे त्रुट स्वादु अस्यम च जायते, दाह शरीर में दाह होने लगता है, करप आदतल दाह, बहुत सारे लोगों में न्यूराइटिस डेवलप होने लगता है, तो उनके जो हाथ पैर है वो उनमें जलन पैदा होने लगती है, न्यूराइटिस की वजह से जलन पैदा होने लगती है, तो इसको दाह बोल सकते हैं। अंगानाम शिथिलांगता मतलब अंग जो है ना, बॉडी को एकदम शिथिल जैसे लगता है, सुस्त सुस्त लगती है बॉडी, बहुत आपको आलसीपन जैसा लगता है, हैवीनेस लगता है। स्वेद बहुत ज़्यादा पसीना आना, शरीर ठंडा पड़ जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से शरीर ठंडा पड़ जाना। वेट बढ़ जाना, सुस्ती आना, गौरव मतलब ऐसे लगता है कि मैं बैठ के ही हूँ, मैं उठूँ ना, सुस्ती आ जाना, नींद बहुत, निद्रा, नींद बहुत आने लगती है। तो ये सारे पूर्व रूप बोले गए हैं कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि शरीर में अभी आपको डायबिटीज हो सकता है। और वाग्भट जी जो है, उन्होंने 2-3 लक्षण एक्स्ट्रा बताए गए हैं, तो वो क्या है वो मैं बताती हूँ। उसमें आता है कि घनांगता केश नखाती वृत्ति, मतलब आपके जो बाल है या नाखून है वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, मतलब अगर आप वीक में एक बार काट रहे हो तो इसमें ये ज़्यादा ज़्यादा बार बढ़ने लगते हैं। इसमें भी मल हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हड्डियों का जो मल है वो है नाखून है या बाल है, तो मल, सब तरह से मल का बढ़ जाना,
ऐसी सारी चीजें आपको दिखाई देती है। शय्यासन मतलब आपको एक एक जगह बैठने की ज्यादा इच्छा होती है, सोने की ज्यादा इच्छा होने लगती है, गलत आलू शोषो प्यास ज्यादा लगती है। जैसे आपको डायबिटीज में 3 लक्षण मॉडर्न साइंस के अनुसार बोले गए हैं कि पॉलीडिप्सिया प्यास ज्यादा लगना, पॉलीफेजिया खाने की इच्छा होना, हमें बहुत ज़्यादा मंचिंग होता है कि स्वीट्स खाऊं या फिर कुछ ना कुछ खाते रहो, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। और पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा पेशाब होना, तो आपको और मूत्रे भी दावंती पिपीलिकाश्च, मतलब पुराने ज़माने में ये हमारी लैब्स वगैरह नहीं थी, तो लोगों का मूत्र परीक्षण करके आचार्य डिसाइड करते थे कि उनको डायबिटीज हुआ है कि नहीं। अगर आपके यूरिन में से शुगर जा रही है और उसके आगे जो कोई बच्चा समझो पेशाब करके है, बड़े वहाँ पे चींटियाँ जमा हो रहे, तो चींटियाँ डेफिनेटली मीठे की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या हो सकता है। अभी भी आप देखोगे कि कोई वॉशरूम जाके आया है और वहाँ पे गंदा स्मेल आ रहा है बहुत ज़्यादा, वहाँ आजू बाजू चींटियाँ हैं, तो भी आपको पता चल सकता है। बच्चों में आजकल डायबिटीज़ ओबेसिटी ये बढ़ गया है, तो वहाँ पे भी हम ऐसा अनुमान प्रमाण लगा सकते हैं कि अगर उनको बार बार पेशाब हो रही है, गाढ़ी पेशाब हो रही है और वहाँ पे आसपास बहुत बदबू आ रही है, चींटियाँ आ रही है, तो उनको डायबिटीज़ हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है, होने की संभावना है, तो पहले से ही हम उनके खान पान का, उनके लाइफ स्टाइल का ध्यान रख सकते हैं। तो सामान्य लक्षण तेषा प्रभुत अविल मूत्रता, तो ये पहले हो गया पूर्व रूप, और उसके बाद जो रूप क्या है उसमें प्रभुत बहुत ज़्यादा प्रमाण में, अविल मतलब गाढ़ी और साफ नहीं रहता, जो मूत्र हम देखते हैं पेशाब जो है वो साफ नहीं है, गाढ़ा है, उसमें सफ़ेद या फिर येलो कलर या फिर कभी कभी डार्क रेड कलर भी आने लगता है, वो गाढ़ा होने लगता है, ये प्रधान लक्षण माना गया है। तो प्रमेह का ऐसा मतलब नहीं कि आपकी शुगर ही पॉजिटिव आनी चाहिए ना, उसके पहले आपको दिखाई देगा कि बार बार पेशाब को जाना पड़ता है, तो प्रभुत मतलब बहुत क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी आपको यूरिन हो रही है, आप जितनी भी बार ज़्यादा बार भले ही जाते हो, हर टाइम आपको ज़्यादा पेशाब होती है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो प्रभुत अविल मूत्रता ये प्रमेह का सबसे प्रधान लक्षण माना गया है। तो आप देखिए कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपको बार बार पेशाब जाने लग रहा है, आपके शरीर में मल भाव ज़्यादा बढ़ रहा है, दांतों में, आँख में, नाक में, मूत्र द्वार में या फिर वजाइनल पार्ट में मल ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके शरीर में लॉन्ग टर्म में रह रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, जैसे मोस्टली फंगल इन्फेक्शन जो है ठीक नहीं हो रहा है, खुजली आ रही है, डायबिटीज़ या फिर प्रमेह आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष के बढ़ने की वजह से होता है, और अगर कफ शरीर में मिठास बढ़ जाती है तो फंगल इन्फेक्शन जिसमें ईचिंग कंडू ये प्रधान लक्षण माना जाता है, तो कहीं पर भी शरीर में फंगल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा है, या डैंड्रफ हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो कफ दोष आपके शरीर में बढ़ गया है और आपको डायबिटीज़ हो सकता है या है, आपको इसमें आपकी खून की जांच करवानी चाहिए, पेशाब की जांच करवानी चाहिए। बहुत बार आपके ऐसा हो सकता है कि डायबिटीज़ नहीं निकला है, खून जो है आपका नॉर्मल आया है, बट ये सारे लक्षण हैं तो भी आयुर्वेद बोलता है कि आपको डायबिटीज़ है, और ये देख के ही आपको आपका खान पान और आपकी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में जाके आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो पहले ही जानकारी ही बचाव है, पूर्व रूप में ही आप बच के चलो कि आपका ये सारे लक्षण अगर आप में प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपको डायबिटीज़ हो सकता है। इसके साथ ही एक प्रमेह पीड़िका नाम का उपद्रव बोला गया है कि शरीर में जब कफ दोष बढ़ जाता है तो मेद फैट्स भी बिगड़ जाते हैं, स्किन आपकी ख़राब होने लगती है और रिकरेंट बॉइल्स आने लगते हैं, हाँ आपके पैरों में जहाँ पे मांस ज़्यादा है पैरों में है, या लेडीज़ में जो प्राइवेट पार्ट्स है वजाइना या वल्वा बोलते हैं उसको एनाटॉमी में, वहाँ पे फोड़े आने लगते हैं, बड़े बड़े बॉइल्स पेनफुल रहते हैं, वो जल्द एक बॉइल ठीक होता है तो दूसरा आने लगता है, या फिर कक्षा एक्सिलरी रीजन में भी बॉइल्स आने लगते हैं, फुंसिया बोलते हैं उसमें पस फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है और वो भी ठीक नहीं होती है। तो ये भी एक लक्षण है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है या शरीर में मिठास
ज्यादा है, इसको हम मॉडर्न साइंस में बोल सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या कि आप शरीर में जब कोई भी खाना खाते हो तो अल्टीमेटली वो जाके शुगर में ही कन्वर्ट होता है। आप रोटी लोगे, चावल लोगे ये कार्बोहाइड्रेट्स है, या फिर कोई आप प्रोटीन ना ले रहे हो तो ये प्रोटीन सोर्स है, नॉनवेज खा रहे हो तो प्रोटीन सोर्स है ना, तो ये शरीर को बदलना पड़ता है इसमें ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज आपके सेल्स में जाती है, जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं वैसे सेल्स में अंदर ग्लूकोज जाएगा तो ही सेल्स अपना काम कर सकती है। बट ये सेल्स का दरवाजा खोलने के लिए एक चाबी जरूरी है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। जब भी हम खाना खाते हैं तो ये इंसुलिन पैंक्रियाज नाम का एक ऑर्गन से वो सिक्रीट करता है और अपने सेल्स खोल देता है तो शुगर अंदर जाती है। बट अगर हम बार बार खाना खाते हैं, बार बार मीठा खाना खाते हैं, इस वजह से ये इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। मतलब पहले बार 10 मॉलिक्यूल्स से काम हो रहा था तो अभी क्या हो रहा है, 10 से काम नहीं बन रहा तो बॉडी प्रोड्यूस करने के 100 पैदा करेगी, 200 पैदा करेगी, बट वो इनइफेक्टिव है। 200 से भी वो चाबी से लॉक खुल नहीं रहा है और शुगर आपकी ब्लड में ही रहेगी, सेल्स यूज नहीं कर पाएगा। और शुगर ब्लड में रहती है, डिटेक्ट हो जाती है तो आपको क्या दिखेगा, डायबिटीज। अगर इतनी भी ज़्यादा नहीं है तो आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन, क्योंकि चिटिया कहाँ पे जाती है, कोई भी इन्फेक्शन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे मिठास है। तो शरीर में बहुत ज़्यादा टाइम कोई भी इन्फेक्शन, सूजन ज़्यादा टाइम रहने लगती है क्योंकि ये शुगर आपके शरीर में है, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कौन सी बीमारी होती है, पहले तो डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, थायराइड का प्रॉब्लम है, PCOD है, या फिर इनफर्टिलिटी है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम आजकल दिखाई देते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में ही आते हैं। और इसको भी हम प्रमेह बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी शुगर पॉजिटिव आए तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी आपको ये सारी बीमारियां हो सकती है। तो आयुर्वेद के अनुसार हम इसको प्रमेह कैटेगरी में ही डाल देंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके, जैसे लास्ट वीडियो में हमने इसके कारण देखे थे किस किस वजह से हमें डायबिटीज हो सकता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं लक्षण, तो कारण को अवॉइड करना पड़ेगा। जिस वजह से आपको डायबिटीज हो रहा है या फिर आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, एक जगह बैठने से हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोने से हो रहा है, हैवी कैलोरी डाइट से हो रहा है, मीठा खाने के वजह से हो रहा है, स्ट्रेस खाने के वजह से हो रहा है, तो उस कारण पे अगर हम काम करते हैं तो ही हमें वो डिसीज ठीक करने में मदद मिल सकती है। तो ये सारे लक्षण हमने देखे हैं कि जिसमें क्या क्या है, दंतालीना मलाढित मतलब मल का बढ़ जाना, केश नखाती वृद्धि, केश या फिर नखों की अति वृद्धि होना, जलन दाह होना, शिथिलांगता, शरीर सुस्त हो जाना, सोने का मन करना, वेट बढ़ जाना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, मुंह का मीठापन होना, मूत्र की तरफ पिपीलिका मतलब चींटियों का जाना, यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी टाइम रहता है, बहुत बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, बॉयल्स होने लगते हैं शरीर में, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से हील नहीं होता है, नॉन हीलिंग वुंड्स या अल्सर्स या डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन बोला गया है, वेरिकोज वेन्स अगर आपको है वहाँ पे कोई ज़ख्म हो गया तो वो ज़ख्म जल्दी से ठीक नहीं होता है, विदाउट एनी रीज़न आपको कोई भी ज़ख्म है ना वो बढ़ता ही लगता है, उसमें इन्फेक्शन होता ही रहता है क्योंकि शुगर है बहुत अच्छा मीडियम है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, वाइट डिस्चार्ज है, वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, तो ये डायबिटीज़ की प्री स्टेज हो सकती है या फिर आप डायबिटिक हो सकते हो। फ्रोजन शोल्डर, बहुत सारे लोगों को कंधे में जकड़ाहट होती है, कंधा हील नहीं सकता है, रेंज ऑफ मूवमेंट पेन भी होता है, बाद में वो फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। तो और कॉन्स्टिपेशन, दुर्विरेच्य, आयुर्वेद के अनुसार जो डायबिटिक लोग बोले गए हैं वो दुर्विरेच्य, क्योंकि शरीर का पानी है वो पेशाब में निकल जाता है और आपका जो मल भाग है वो हार्ड हो जाता है, शुष्क हो जाता है, रुक्ष हो जाता है, इस वजह से प्रमेह को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका अग्नि बिगड़ जाता है, इस वजह से उनको ब्लॉटिंग, इनडाइजेशन, पेट फूलना, ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है।
और आगे चल के डायबिटिक रेटिनोपैथी है, आंखों की रोशनी कम हो जाना, रेटिना आपका वीक हो जाता है, वहाँ पे शुगर एक्यूमुलेट होके आपको अंधापन आ सकता है, डायबिटिक आपको रीनल मतलब किडनी आपकी बिगड़ सकती है, आपकी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, आपको बाद में हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाना, ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये सारे डायबिटीज़ के उपद्रव, मतलब डायबिटीज़ होने के बाद शरीर में क्या क्या हो सकता है। तो डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर। आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि डायबिटीज वाला जो मनुष्य रहता है ना, एक बरगद की पेड़ के जैसा है, जहाँ पे तरह तरह के पंछी आके घोंसला बना देते हैं। तो डायबिटिक जो पर्सन है ना, या फिर जो ओबेज है, ऐसे सारे इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला, उसमें कोई ना कोई बीमारी शरीर में रहेगी ही। एक ठीक होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ठीक होती है तीसरी आ जाती है। तो वही बड़े बरगद के पेड़ जैसा है, जिसे असंख्य पंछी आके घोंसला बना देते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर स्वस्थ रहना है तो सारे ही जो कारण हमने लास्ट वीडियो में देखे और लक्षण, इनको आप जान ले और तुरंत एक्शन ले। तुरंत आप जो भी है, टाइम सबके पास 24 आवर्स ही है, बट प्रायोरिटीज़ हमें किसको प्रायोरिटी देनी है। हाँ, हम थोड़ा सा मोबाइल का टाइम कम कर सकते हैं, टीवी का टाइम कम कर सकते हैं। हाँ, ऑफिस में अगर बैठे हुए हैं तो 1 घंटे में हम उठ के थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। हमारे मन पे हमें ये गांठ बांधनी है कि हमें ये डिसीज नहीं चाहिए, तो हम उसका एक्शन ले सकते हैं। खान पान में कोई बदलाव है, हम वो कर सकते हैं। जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, नहीं तो आप गोली लोगे तो थोड़े टाइम के लिए शुगर आपकी ऑन पेपर नॉर्मल रहेगी, बट शरीर में जो बदलाव है वो धीरे धीरे होते रहेंगे और उसके बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट्स है, कॉम्प्लिकेशंस है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इसको फॉलो कीजिए, आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।